आज हम आपको डिफरेंस बिटवीन ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ बताने वाले हैं। ब्लैक हैट एसईओ रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज साइट और पेजेस रैंक इन सर्च इंजन थ्रू मीन्स दैट वायलेट द सर्च इंजन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जब गूगल के सर्च इंजन के टर्म्स को आप वायलेट करके अपने पेज को रैंक कराते हैं या वीडियो को रैंक कराते हैं तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है। द टर्म ब्लैक हैट ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न मूवी टू डिस्टिंग्विश द बैड गाय फ्रॉम द गुड गाय हू वोर द वाइट हैट। रिसेंटली इट यूज मोर कॉमनली टू डिस्क्राइब कंप्यूटर हैकर्स एंड वायरस क्रिएटर। तो मेनली ब्लैक हैट एसईओ जो होता है वो कंप्यूटर हैकर्स और वायरस क्रिएटर लोग करते हैं। Those who perform an ethical action with a computer is black hat SEO creator. तो जो unethical hacking करते हैं वो आपका those who perform unethical hacking with a computer are called black hat SEO creator. तो उसमें सबसे पहले आता है content automation. Is a digital marketing strategy that focuses on removing the need for human intervention in a content lifecycle. The goal of the content automation is to program or automate any process involved with a content marketing that may be redundant, time consuming or costly. जब आप खुद अपने से काम करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है और उतनी एफिशिएंटली वो नहीं हो पाता है। अगर आप सब सोशल मीडिया पे अपने वीडियो को भेजिएगा तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन कर देते हैं, बॉट्स क्रिएट कर देते हैं तो आपके सोशल मीडिया पे वो हर सोशल मीडिया पे आपके वीडियो को फ्रिक्वेंटली भेज देगा और आपका उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ना टाइम लगेगा आपका। आप सेट कर दीजिए तो आपके सब सोशल मीडिया पे वो चला जाएगा। तो ये जो होता है वो ब्लैक हैट्स के अंदर आता है, क्योंकि आपका ऑटोमेशन तो नहीं है लेकिन आपका काम तो नहीं है लेकिन ऑटोमेशन कर दिया आपने, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपके चीज़ों को बहुत सी जगह भेज करके आपके रैंकिंग को बढ़ा देगा, आपके ट्रैफिक को बढ़ा देगा जो जेन्युइन नहीं है। डोरवे पेजेस रिक्रिएट फॉर डिलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ सर्च इंजन इंडेक्सेस। It affects the index of search engine by inserting result for particular phrases while sending visitor to different page. अब इसमें ये क्या करता है, doorway page जो होता है वो आपके सर्च इंजन के इंडेक्स को मैनिपुलेट करता है और वहाँ पे कुछ ऐसे phrases को इंसर्ट कर देता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो जिस पेज पे जाना चाहिए उसकी जगह ना जाके डिफरेंट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है। तो डिफरेंट पेज पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रैंकिंग, जिसने आपको भेजा है वहाँ से, उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है और आप उसके पेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ जाना चाहिए, नेचुरली वो वहाँ नहीं जाता है। व्हाट इज़ अ हिडन टेक्स्ट इन अ एसईओ? हिडन टेक्स्ट इज़ अ टेक्स्चुअल कॉन्टेंट दैट सर्च इंजन कैन रीड बट योर विजिटर कैन नॉट रीड और सी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल और फेक टेक्स्ट। Using such text can improve the ranking of the page, but this technique is against the guidelines of search engine ethics and is considered a black hat SEO technique. अब इसमें क्या करता है, वो hidden text create करता है जो कि search engine को guide करता है, और fake text होता है जो कि search engine के rule के खिलाफ है और उसकी technique को वो change करके अपने page को rank कराता है। और विजिटर तो सर्च इंजन तो उसे देख सकता है लेकिन विजिटर उसे नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पे सर्च इंजन आपको नहीं भेजेगा। तो दिस इज अ ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। व्हाट इज अ कंसिडर कीवर्ड स्टफिंग? अब ये कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, जो आप रोज करते हैं, ढेर सारे कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि आपका पेज हर हालत में रैंक ही करे। कीवर्ड स्टफिंग रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ लोडिंग अ वेब पेज विद अ कीवर्ड और नंबर इन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द साइट रैंकिंग इन द गूगल सर्च रिजल्ट। ऑफन दिस कीवर्ड अपीयर इन द लिस्ट ऑफ ग्रुप और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नॉट एज अ नेचुरल फ्लो।
अब आप अपने उसमें दूसरों की हैशटैग लगा देते हैं, ऐसे वीडियो का कीवर्ड लिखते हैं जो रैंक कर रहा है, और आप ऐसे वर्ड्स डालते हैं जो आपके वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो वो जो है, और जो चीज़ें आपने डिस्क्राइब की उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आप कीवर्ड में डाल रहे हैं, तो वो कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप कीवर्ड जब डालते हैं तो वो चाहे वीडियो हो चाहे वेब पेज हो, वो कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। रिपोर्टिंग अ कॉम्पिटिटर और निगेटिव SEO। अब आप ये चाहते हैं कि मेरा ही सब कोई देखे, दूसरे का ना देखे, तो उसके लिए आप निगेटिव SEO करते हैं। अब ये निगेटिव SEO क्या होता है? निगेटिव SEO इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एम्ड एट लोअरिंग अ कॉम्पिटिटर रैंकिंग इन अ सर्च इंजन। आप ऐसा कुछ SEO करते हैं जिससे कि आपके कॉम्पिटिटर की रैंक जो है वो, उसका रिजल्ट जो है डाउन हो जाए। दिस एक्टिविटीज आर मोर ऑफन ऑफ पेज बिल्डिंग अननेचुरल लिंक टू द साइट और स्क्रैपिंग एंड रिपोस्टिंग इट कॉन्टेंट। किसी दूसरे के कॉन्टेंट को लेकर आप अननेचुरली लिंक बना करके उसको रिपोस्ट करके मैनिपुलेट करते हैं। बट इन सम केसेस दे मे ऑल्सो इन्वॉल्व हैकिंग द साइट एंड मॉडिफाइंग इट्स कॉन्टेंट। लेकिन कुछ लोग तो पूरी पूरी साइट ही हैक कर लेते हैं और कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। हाउ डू आई रिपोर्ट निगेटिव SEO? तो फिर निगेटिव SEO को कैसे हम रिपोर्ट करें? What do you do if you find a bad link from negative SEO? Reach out to the website and ask them to take the link down. Disallow the link, ask the website how to link was created, tell the search engine about it. How do you beat the competitor in SEO? तो आप अपने कॉम्पिटिटर का निगेटिव SEO का रिपोर्ट कर सकते हैं और उससे वो लिंक डाउन करने को कह सकते हैं जो कि आपको हार्म कर रही हो, और सर्च इंजन को रिपोर्ट कर सकते हैं। टू बीट कॉम्पिटिटर इन SEO। 5 वे टू बीट योर कॉम्पिटिटर एट SEO। हम 5 तरह से अपने कॉम्पिटिटर को SEO करके बीट कर सकते हैं। फोकस ऑन कॉन्टेंट क्रिएशन, प्लान योर कीवर्ड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी केयरफुली, कि आपका टारगेट क्या है और किस जगह पे आपका ये कीवर्ड आपको ले जाएगा। स्टे अब्रेस्ट ऑफ SEO न्यूज, और आप SEO की न्यूज से जो न्यू अपडेट है उससे आप अवेयर रहिए। मॉनिटर योर कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक प्रोफाइल, और अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स की प्रोफाइल से अवेयर रहिए कि वो किस तरह से लगा रहा है, उसका यूज आप भी कर सकते हैं। मॉनिटर योर कॉम्पिटिटर ऑन साइट SEO एक्टिविटी, और साइट की SEO की एक्टिविटी कॉम्पिटिटर की क्या है। तो अगर मान लीजिए जैसे आप केक का वेबसाइट बना रहे हैं, तो कौन कौन से केक ज़्यादा बिक रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किस एरिया में बैकलिंक लगाने से आपको ज़्यादा डिमांड मिलेगी, उसका ज़्यादा इंक्वायरी मिलेगी। अब जैसे क्रिसमस के समय आप क्रिसमस केक बनाइएगा तो उसकी ज़्यादा इंक्वायरी मिलेगी, और अगर वैलेंटाइन डेज है तो उससे रिलेटेड अगर आप फिगर्स बनाइएगा केक में तो उसकी इंक्वायरी ज़्यादा मिलेगी। कुछ लोग चॉकलेट केक ज़्यादा खाना चाहते हैं पसंद करते हैं, तो आपको अपने एरिया में जिस एरिया में आपका रेस्टोरेंट है या जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं केक से, उस एरिया के लोगों की क्या चॉइस है उसको आपको जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपने कीवर्ड्स और स्ट्रेटजीज यूज़ करना पड़ेगा, और लेटेस्ट SEO को यूज़ करके आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। हाउ डू आई फिक्स स्पैम SEO? अगर स्पैम SEO का है तो उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं? डिटेक्टिंग SEO स्पैम, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करेंगे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल मालवेयर सिक्योरिटी ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और अगर मालवेयर से रिलेटेड सिक्योरिटी को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस से बनी हुई है तो उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। क्लीन SEO स्पैम, और उसके बाद SEO स्पैम को हम क्लीन करेंगे। यूजिंग अ फायरवॉल, हमेशा हमको फायरवॉल यूज़ करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। प्रोटेक्टिंग योर लॉगिन पेज, और आप अपने लॉगिन पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कीपिंग योर साइट अपडेट, हमेशा अपनी साइट को अपडेट करते रहिए।
लॉगिन पेज इसलिए प्रोटेक्ट करने को कहते हैं क्योंकि वो ही एक गेटवे है जिसके थ्रू आपके वेबसाइट में लोग इंटरवीन कर सकते हैं। एम्प्लॉइंग लीस्ट प्रिविलेज यूजर प्रिंसिपल, और यूज़र के जो प्रिविलेज है वो सबसे कम रखिए कि बस वो यूज़र इंटरफेस पे काम कर पाए, ज़्यादा वेबसाइट पे और कुछ ना कर पाए। चेक स्पैमिंग कीवर्ड इंसर्शन, अगर कोई स्पैम करता है, कीवर्ड इंसर्ट करता है आपकी साइट में, तो उसको भी चेक करते रहिए। चेक स्पैम लिंक इंजेक्शन, और अगर लिंक इंजेक्शन के थ्रू आपके वेबसाइट पे स्पैमिंग करता है तो उसको भी आप चेक करिए। बैक लिंक लगाने की प्रिविलेज दीजिएगा कि नहीं लगाइए दीजिएगा, ये सब आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी है। इसी तरह वीडियो में भी आप कर सकते हैं कि आपका वीडियो कोई स्क्रैप ना करे, उसकी क्लिप ना ले, उसके बाय डिफ़ॉल्ट आप अपलोड करते हैं कि कैसे अपलोड करते हैं, वीडियो आपका प्राइवेट है कि पब्लिक है, वीडियो में आप अनलिस्टेड अपलोड करते हैं कि पब्लिक अपलोड करते हैं, डिफरेंट उसमें एम्बेडिंग लिंकिंग आप अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सब आपके स्पैम से आपके वीडियो को बचा सकता है। वाइट हैट SEO, अब ब्लैक हैट SEO के बारे में हमने आपको बता दिया। वाइट हैट SEO रिफर्स दैट वर्ड विद इन सर्च इंजन टर्म सर्विस टू इम्प्रूव अ साइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज रैंकिंग वाइल मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ योर वेबसाइट एंड स्टेइंग विद इन द सर्च इंजन टर्म ऑफ सर्विस। जो सर्च इंजन की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जब आपका पेज रैंक होता है तो वो वाइट हैट SEO में आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग क्वालिटी कॉन्टेंट एंड सर्विसेस, फास्ट साइट लोडिंग टाइम एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपका मोबाइल फ्रेंडली हो और उसका टाइम कम लगे लोड होने में, उसका कंटेंट अच्छा हो, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड रिच मेटा टैग, और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा हो तो, और उसमें मेटा टैग जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ही रिफाइन और रिच हो, मेकिंग योर साइट ईजी टू नेविगेट, और आपकी साइट भी नेविगेशन में अच्छी हो, ईजी हो, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पे अच्छे से काम कर सकें। सेम आपका वीडियो के साथ है, आप अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाइए, आप अच्छा टाइटल यूज़ करिए, आप अच्छा थंबनेल लगाइए, आप अच्छा मेटा टैग यूज़ करिए, स्टफिंग कीवर्ड स्टफिंग मत करिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कीवर्ड लगाइए, हैशटैग लिमिटेड लगाइए, और उसका लोडिंग टाइम कम हो, उसका HD फॉर्म में क्रिएट करिए जिससे कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, रेजोल्यूशन अच्छा हो, वीडियो का वॉइस अच्छा होना चाहिए, और उसका रन टाइम अच्छा होना चाहिए, नेविगेशन एक आप अपने वीडियो में ऐसा लिंक दीजिए कि दूसरे लिंक पे वो इजीली जा पाए, और आपकी दूसरी वीडियो भी एंड स्क्रीन पे लगी हो तो देख ले, और आई बटन में भी अच्छे से वीडियो को लगा ले। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, and please subscribe and comment on my video and tell what else you want, आपको कौन से टॉपिक पसंद है उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें और आप उसको एंजॉय कर सकिए, कुछ सीख सकिए उससे। थैंक यू।